तो चल रहा है, लेकिन एक और वर्ड जो बहुत ही पॉपुलर हो गया वो है एंडेमिक। अब जिन लोगों को पता नहीं है वो तो डर जाएंगे, क्योंकि हम भी पहले डर गए थे क्योंकि हमको पता नहीं था। एंडेमिक का मतलब होता है बीमारी का स्थानिक हो जाना। तो पैंडेमिक चल रहा है, अभी एंडेमिक है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अविरल वत्सा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय का। सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे ये है कि ये एंडेमिक किस बला का नाम है, इसका मतलब क्या है, और क्या हम लोग इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं इस कोरोना काल में? क्या अभी प्रयोग करना ठीक रहेगा कि नहीं एंडेमिक का? जी देखिए, शुरू में तो मैं ये तीन तीन शब्द हैं जो शायद सभी लोग को सुनने में आते होंगे। पैंडेमिक हमने बहुत सुना, अब एंडेमिक है, और बीच में एक एपिडेमिक भी होता है। जी इन तीनों शब्दों का मैं अगर मतलब समझा सकूं जल्दी से तो शायद एंडेमिक हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पैंडेमिक वो होता है जो बीमारी बहुत देशों में बहुत तेजी से एक साथ फैली हो। एपिडेमिक वो होता है कि किसी एक देश में बहुत बड़ी संख्या में वो बीमारी फैल रही हो। जब यही बीमारी बहुत ही छोटी पॉपुलेशन में रह जाती है तब हम उसको एंडेमिक कह देते हैं। और वो जो पॉपुलेशंस हैं, वो जो जो लोग हैं, वो एक देश के छोटे 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 भागों में होते हैं, और उनकी जो इसको हम कहते हैं आउटब्रेक, जो बीमारी फैलनी शुरू होती है, उसको हम बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। उस पे हमारे हेल्थ सिस्टम पे कोई ज्यादा असर होता नहीं है, तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। कोरोना वायरस की जब हम बात करते हैं तो अभी ये बिल्कुल अभी पैंडेमिक जारी है। ये किसी भी एंगल से एंडेमिक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय डाटा उठाकर देखें तो हर देश में केसेस अभी मतलब बढ़ भी रहे हैं, अगर बढ़ नहीं भी रहे तो जीरो तो कहीं भी नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि बीमारी सभी देशों में फैली हुई है और अभी हमारे कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है। तो ये अभी पैंडेमिक ही है, अभी एपिडेमिक भी नहीं हुआ है, तो उसके बाद एंडेमिक की तो अभी बात ही नहीं आती है। तो एंडेमिक तो काफी दूर की बात होगी। एंडेमिक के बारे में एक और अभी जहन में आया सवाल, वो ये है कि अभी आपने कहा कि बाकी देशों में केसेस जो हैं वो जीरो नहीं हो रहे हैं, तो जब एंडेमिक आता है क्या उसका मतलब ये होता है कि केसेस बढ़ने खत्म हो जाते हैं? जी, उसमें ये जरूर होता है कि एटलीस्ट किसी देश के बहुत बड़े भाग में केसेस जीरो होंगे और बहुत छोटी छोटी पॉकेट्स में, बहुत छोटे छोटे एरियाज में केसेस बढ़ेंगे, और वो जैसे मैंने कहा वो मैनेजेबल होंगे, तब हम उसको एंडेमिक कहेंगे। लेकिन अभी तो, और वो भी कई देशों में नहीं होंगे, बहुत सारे देशों में नहीं होंगे, कुछ देशों में ऐसा पाया जाएगा, तब हम उसको एंडेमिक कह सकेंगे। लेकिन अभी बहुत देशों में इसके केसेस अभी भी बहुत बढ़ रहे हैं। भारतवर्ष की अगर हम बात करें, और भी देशों की अगर हम बात करें, तो कई सारी लहरें, कई सारी वेव्स हमने देख ली हैं। सेकंड वेव आई थी जिसने कितना नुकसान पहुंचाया है, अभी हाल ही में थर्ड वेव होके गई है। अगर पैंडेमिक की हम बात करें तो अभी स्थिति क्या है हमारी? भारत का अगर हम लेकर चलें तो अभी जो ओमिक्रॉन की वेव है वो नीचे को जाती हुई दिख रही है। जैसा आपने कहा कि ये तीसरी वेव है, और अभी हम भारत में उस तरह की सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे हैं कि हमें मालूम चले कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है या कुछ और नए नए वेरिएंट डेवलप तो नहीं हो रहे। आगे आने वाले समय में इसकी और वेव आ सकती है। देखिए, जब तक 70 से 80% जनसंख्या पूरे दुनिया की हम वैक्सीनेट नहीं कर देते, तब तक हम कह नहीं सकते कि नया वेरिएंट आएगा या नहीं। तो अभी जो स्थिति है, भारत की ही अभी तकरीबन 60% जनसंख्या ऐसी है जिनको दो डोज लगी है, बूस्टर, और उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो 40% जनसंख्या भारत की अभी भी वल्नरेबल है, और उसका मतलब यह है कि नए वेरियंट जो हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। और जब वो आ सकते हैं, वो किस तरह के होंगे, ज्यादा खतरनाक होंगे, कम खतरनाक होंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल हमेशा होता है। तो ये प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल। कि वैक्सीन्स जो हैं उनका उनकी अब तक क्या भूमिका रही है? मतलब क्या इस पैंडेमिक को लड़ने से हमें सक्षम बनाया है वैक्सीन ने या नहीं? एफिकेसी के ऊपर भी काफी चर्चा हुई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ओमिक्रॉन अपने आप में माइल्ड नहीं है, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जो लोग वल्नरेबल हैं, उनको वो उतना ही खतरनाक है जितना डेल्टा है। तो इसका इससे बचाव का मेन कारण ये है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। एक दूसरा, अभी बहुत बहुत रिसेंटली डेल्टा वेव आके हटी है, तो उसकी भी इम्यूनिटी अभी चल रही थी हमारे शरीर में, तो उससे भी बचाव हुआ है। तो वैक्सीन्स ने जो जो हम कहें कि वायरस की जो धार थी, जो घातकता थी, उसको कम तो किया है, मतलब जो हमारी लड़ने की शक्ति थी उसको ज्यादा तेज कर दिया, जिसके कारण हमारा बचाव तो बिल्कुल डेफिनेटली हुआ है। और जो साइंस की जो स्टडीज हुई हैं, जो अलग अलग लेवल की हुई हैं, उनमें ये क्लियर दिखता है कि हमारे अलग अलग तरह के इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स होते हैं।
तो जो पहला रिस्पांस है, दूसरा है, वो सारे रिस्पांस तेज हुए हैं हमारा वैक्सीनेशन के चलते, और उन्होंने हमें ओमिक्रॉन से और चाहे डेल्टा से भी हमें हमें काफी बचाया है अलग अलग देशों में। तो ये क्लियर है, हमारा बहुत ही पोटेंट, कहते हैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी का शब्द नहीं आ रहा, पोटेंट हथियार है हमारे लिए इस लड़ाई में। तो ये जो हथियार है जिसकी आपने बात की है, यकीनन बहुत ही फायदेमंद है। पैंडेमिक से निकलने का एक वाहिद तरीका यही नजर आ रहा है फिलहाल। तो इसको कितना हमको इस्तेमाल करना चाहिए? अभी तक दो डोजेस ही प्रिस्क्राइब की गई हैं, लोगों ने दो दो डोजेस लगवा ली हैं, लेकिन अब बूस्टर शॉट्स की भी बात हो रही है। तो बूस्टर शॉट्स कितना फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए कि हम अपने आप को बचा सकें इस वायरस और आगे आने वाले वेरियंट से भी? जी, इसमें मैं थोड़ा फिर से ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जो वैक्सीन्स होती हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा डोजेस देनी पड़ती हैं। अगर हम याद रखें तो बचपन से जो हमें वैक्सीन मिलती रही हैं, उसकी 2, 3, 4, कहीं की तो 5 डोजेस भी हमें देनी पड़ी हैं, ताकि हमारी जो इम्यूनिटी है उस स्तर की रहे कि वो किसी भी हालत में जो जो वायरस का अटैक होता है उसको उससे हमें बचा सके। उसके चलते जो फिर से जो स्टडीज की गई थी, उसमें पाया गया था कि 2 डोजेस उतनी कारगर नहीं रहती 6-8 महीने के बाद, कि वो हमें इवन डेल्टा से बचा सके। तो ओमिक्रॉन के आने के बाद तो ये और भी जरूरी हो गया था कि बूस्टर की जरूरत है। तो बूस्टर्स काफी कारगर हैं, इसका भी बहुत डाटा आया है कि जहां जहां बूस्टर्स लगे हैं, ओमिक्रॉन की घातकता बहुत ही कम रही है। तो एक बूस्टर तो लगाए गए हैं, अभी हमें इतना समय नहीं निकला है कि हम जान पाए कि बूस्टर की जो इम्यूनिटी है वो कितनी देर तक कारगर है। हमें ये समय रहते हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितनी डोजेस की जरूरत पड़ सकती है। इस चीज को प्रिडिक्ट करना, मैं फिर से वही कहूंगा कि ये मतलब 50-50 होता है कि हमें कितनी देर बाद फिर से बूस्टर की डोज लेनी पड़ सकती है। एक लास्ट चीज जरूर इसमें ऐड कर दूं कि जैसे नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, साथ में साइंस में ऐसी रिसर्च भी चल रही है कि ऐसी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी वेरियंट आए तो वो एक वैक्सीन उसके सारी वायरस, जिस वायरस है उसके अगेंस्ट वो हमारी इम्यूनिटी बना सके और हमारी इसमें मदद कर सके कि उसके अगेंस्ट हम लड़ सकें, तो ताकि हमें बार बार नए नए बूस्टर्स की जरूरत ना पड़े। इस आइडिया से एक नई वैक्सीन की, जो मैंने कहा, रिसर्च चल रही है, लेकिन उसके क्या नतीजे होंगे, उसके क्या आउटपुट होगी, वो तभी मालूम चलेगा जब ट्रायल्स हो जाएंगी और वो आम जनता में रोल आउट हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी जो रिसर्च है ऐसी भी चल रही है। सर, ये अभी आपने जो बातें बोली हैं उसे काफी वैसे तो बड़ी ग्रिम पिक्चर सामने आती है। जब भी कोरोना की हम बात करेंगे यही सोचते हैं कि पैंडेमिक से कब निकलेंगे हम, कितना और वेट करना पड़ेगा। खैर, चीजें थोड़ी थोड़ी करके खुल रही हैं, लेकिन अब इससे यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? खुद को हम, दुनिया भी खुल रही है, स्कूल्स खुल रहे हैं, जो पब्लिक स्पेसेस है वो भी धीरे धीरे करके खुल रही हैं, तो ऐसे में खुद को हम कैसे बचाएं वो भी जरा हमको बताइए आप। जी नहीं, देखिए ग्रिम पिक्चर तो देख मतलब पर्सपेक्टिव पे ज्यादा है कि हम क्या देख रहे हैं। मेरे एंगल से तो पिक्चर काफी अच्छी है, क्योंकि 2 साल पहले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए सिवाय मास्क के। तो आज वैक्सीन्स हैं, कई तरीके की हैं, हमें ज्यादा मालूम है वायरस के बारे में, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हमें हेल्प करती हैं बचाव में, इसके इलाज भी काफी इम्प्रूव हो गए हैं अगर जब किसी को बीमारी होती है तो उस एंगल से काफी पॉजिटिविटी है इसमें। और वायरस भी को हमने काफी, उसका जो इफेक्ट है, उसका जो असर है, उस पर उसको हमने काफी कम भी कर लिया है, तो पॉजिटिविटी काफी है। लेकिन मैं ये भी ध्यान दिलाऊंगा कि मलेरिया हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुई, HIV हुई, ये सारी बीमारियां इसी तरह से फैलती थी पहले, और फिर अब हम जैसे हम इन सब के साथ रहते हैं, अपने अपने बचाव करते हैं, मलेरिया से हम मच्छरों से भी बचाव करते हैं और कितने प्रिकॉशंस लेते हैं, ऐसा ही HIV है, ऐसा ही ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसा ही हम कोरोना के लिए भी चीजें बनती जाएंगी कि हम अपना बचाव कर सकें ताकि हमारे ऊपर इसके बुरे असर ना हो। तब हम, जैसा मैंने, हम पहले एंडेमिसिटी की बात करें, तब एंडेमिक हो जाएगी, तब हम ऐसे ही बचाव करेंगे, अपना जो वल्नरेबल ग्रुप्स होंगे उनका ज्यादा बचाव करेंगे ताकि इसकी घातकता से बचा जाए। आज की डेट में सबसे जरूरी हथियार, जैसा हमने पहले कहा, वो है वैक्सीनेशन। 2 डोज तो मिनिमम है, और बूस्टर जिनको गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने अलाउ किया है, वो बूस्टर तो जरूर ले लें। साथ में जब आपको मालूम है, खबरों में आ रहा है कि वैक्सीन थोड़ी, वायरस थोड़ी फैली हुई है हमारे आजू बाजू, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। अगर किसी को नॉर्मल, जैसे हम कहते हैं कि ये तो नॉर्मल जुकाम खांसी है, छीके ही हैं, तो ये शायद ओमिक्रॉन नहीं, उस केस में भी आप मास्क की इस्तेमाल जरूर करें। आपको है तब तो आप जरूर करें ताकि आप इसको फैलाएं नहीं। जब आपको लगे कि, मान लीजिए आपको खांसी जुकाम
हल्का हल्का बुखार 3-4 दिन रह रहा है और आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो आप अपनी हॉस्पिटल की हेल्प जरूर ले लें, क्योंकि ये किसी भी समय बदतर हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन आपको इसकी इसकी जो घातकता है, इसकी तीव्रता है, उससे काफी बचाती है, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लास्टली, जैसे स्कूल खुल रहे हैं, हम अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, उसमें हमें वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना है। अब सर्दियां तो निकल गई हैं, तो खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह से खोल के रखना बहुत ही अहम हो गया है। सो वैक्सीनेशन, मास्क और वेंटिलेशन, ये तीन हमारे बहुत बड़े साथी रहेंगे हमारे बचाव। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी जहन में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी लिस्ट बताई है, वैक्सीनेशन, मास्क और वेंटिलेशन, उसमें चौथी चीज एक और है, फेक न्यूज। जितनी भी अफवाहें हैं कोरोना को लेकर उनपे ज्यादा ध्यान ना दें। अगर कोई खबर आती है उसे जरूर वेरीफाई करें और आंख बंद करके बिल्कुल भी यकीन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मास्क पहने, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।